हेलो एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है एक और नए नहीं नहीं यार पहला ही एपिसोड है, आदत हो गई है माइंडपुर के पहले एपिसोड में, जो कि सीजन टू, जिसमें मैं पहली बार आप लोग दे सकते हैं ज्वाइन कर रहा हूँ, काफ़ी लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग दे सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका हूँ मैं। मतलब जो सिंपल चीज़ें होती है ना, जैसे आर्मर बनाना, आयन का और सारी चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए करनी होती है, वो सारी मैंने कर ली और मैं फ़िलहाल अभी हूँ एकन भाई के बेस पे। अगर आप लोगों को लग रहा हो ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो सबसे पहले तो यार जो भी माइनपुर से मतलब रिलेटेड नहीं है, जिनको नहीं पता है माइनपुर क्या है, तो इसमें लगभग 10-12 12 यूट्यूबर्स हैं, सारे जो माइनक्राफ्ट के अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस हैं मुझे छोड़ के क्योंकि लोग यार दो दो साल से एक बंदा तो भाई 6 साल से खेल रहा है, पता नहीं कितने कितने टाइम से खेले, हमको 6 महीने नहीं हुए हैं माइनक्राफ्ट खेले। तो जो भी है तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि सब नॉर्मल लाइफ जैसे रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपस में हेल्प करते हैं, हेल्प करने के बजाय वो जेम्स भी ले सकते हैं। बेसिकली इसमें मतलब अच्छे से आप लोगों को रहना है, आपस में कोई चीटिंग नहीं करता है, जहाँ तक आप प्रैंक्स कर सकते हो बट ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, प्रैंक्स जो आप कर रहे हो वो सही हो जाए, ऐसे प्रैंक्स करने चाहिए। और मेरे को एक हेड मिल गया है जो कि मैंने नोटिस नहीं किया, भले मैं यू नो थर्ड पर्सन मोड में हो तो भी, तो ये हेड मैंने लगा के रखा है, इससे अपने कभी ना कभी प्रैंक करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हैं यार, और आप लोगों को कुछ टिप्स देनी हो, कुछ पता हो चीज़ें जो कि मुझे शायद पता होनी चाहिए, तो क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग यार ऑलरेडी काफ़ी टाइम से माइनपुर को जो है सीज़न 1 से शायद फॉलो करते आ रहे हो, तो मुझे इतना कुछ नहीं पता है, तो अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में। मुझे कुछ भी लिटरली कुछ भी नहीं पता है माइनपुर के बारे में, बस इतना पता है कि माइनपुर है और मैं काफ़ी टाइम से हर्मिट क्राफ्ट को फॉलो करते आ रहा हूँ, तो यार मेरे को भी काफ़ी टाइम से इधर आना था, और अब फाइनली सब यूट्यूबर से बात हो चुकी है और यार काफ़ी अच्छे बंदे हैं सारे के सारे, तो यू नो मैं भी आ चुका हूँ। और बस यार ज़्यादा बकवास नहीं करते, फिलहाल मुझे मेन काम क्या करना है पता है, मेरे को मेरे लिए बेस ढूंढना है, ये फ़िलहाल अभी एकन के बेस पे हैं हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और इधर से काफ़ी लोगों के जो बेसेस हैं बहुत ही पास पास में पड़ते हैं, सिर्फ एक ऋषभ जो है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा यार, जिसको नहीं पता भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, ऋषभ नहीं पता तो उसको तो सब जानते होंगे, तो उसका बेस खाली काफ़ी दूर पड़ता है, बाकी सब तो बहुत पास में है यहाँ से। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को उन्होंने मैप दिया है जिसमें मैं पता लगा सकूँ कि कौन सी जगह किसने नहीं ली है, तो वहाँ पे अपने अपनी जगह डिसाइड करेंगे। बट आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं पहले एक दो एपिसोड में बेस तो बना लेता हूँ ही नहीं, मेरे को घूमने की आदत है और इतनी जल्दी काम करने की बेस बनाने की आदत नहीं है, और इतना सारा प्रोग्रेस मैंने बिना वीडियो के अंदर लिए कर दिया है ना, आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कुछ भी नहीं करता बिना वीडियो में किए, बट ठीक है कर लिया यार, अभी अपने सर्वर में है तो अब अपने को अच्छे से करना चाहिए। और देखो अभी से भी मैं इतनी सारी बातें करके टाइम पास काफ़ी कर रहा हूँ, ठीक है अब अपने टाइम पास नहीं करते। आप लोगों को वैसे टूर करवाऊँ क्या, आप लोग बताना यार अगर आप लोग टूर देखना चाहोगे धीरे धीरे सबके बेसिस पे, क्योंकि अभी अपने सर्वर के अंदर कभी ना कभी तो सबसे मिलने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को सबके बेसिस भी देखने हो तो आप बता सकते हो। और वो देखो आयन फार्म एकन भाई ने बना रखा है इतना ऊपर, पता नहीं विलेजर्स को कैसे चढ़ाया सोलो में, तो मेरी नीचे में ही जान निकल गई थी और ये भाई पता नहीं कितनी ऊपर चढ़ा के बैठे। और मैं काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सबसे लेट एंट्री लिया हूँ इस सर्वर के अंदर, एक और भाई भी एंट्री लिए हैं जो कल लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, वो भी मेरे साथ ही कल एंट्री लिए हैं, उनका नाम काला मकड़ा है डिस्कॉर्ड पे, यूट्यूब चैनल का नाम मैं भूल गया कोई नहीं धीरे धीरे याद रह जाएगा। तो यार मैं इधर क्यों आया था पता है, मेरा बेस मतलब स्पॉन जो है ना इधर काफ़ी दूर है, यहाँ से 2000-3000 ब्लॉक दूर था, मैं इधर क्यों आया क्योंकि मैं उम्मीद लेके आया था कि शायद एकन भाई के पास में एलिट्रा होगा और वो मुझे देंगे फ्री में, नहीं मुझे फ्री में नहीं चाहिए क्योंकि फ्री में ऑब्वियसली कोई नहीं देगा, मैं जेम्स देने को तैयार था 15-20 जितने लगते, बट एलिट्रा ही नहीं है यार, उन्होंने दिल तोड़ दिया मेरा बट मैंने उनसे फिशेस ली है क्योंकि मेरे को बिल्लियाँ पालनी थी, जल्द ही कुछ ना कुछ अपने पास में होना चाहिए, और रात को टिक्के ना अपने हड्डियाँ इकट्ठी करेंगे क्योंकि इधर काफ़ी सारे है ना डॉग्स दिख रहे थे मुझे, वुल्फ दिख रहे थे, अभी डॉग वो बने नहीं तो अपने वो पालेंगे। और एक बैनर भी अपने को खुद का कस्टम बनाना है मुझे बोला उन्होंने, क्योंकि बैनर से पता चलेगा कि वो मेरी जगह होगी,
तो एक कस्टम बैनर बनाना है जो कि बाकियों से अलग हो, वो तो अपने बना लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। खाना वाना मैंने इकट्ठा करके रखा है। फिर उधर एक विलेज दिख रहा है, बट ऑब्वियसली यार इन्होंने यार इतना पास में तो ऑब्वियसली चेक किया ही होगा उसको। एक टेम्पल भी मुझे मिला था, बट क्योंकि मैं इधर आ रहा हूँ तो यार ऑब्वियसली वो टेम्पल लूटेड था। लेट आने का ना यही प्रॉब्लम है भाई, सब कुछ लूटेड ही मिलता है। फिर भी अपने घूमेंगे फिरेंगे गाइज, और कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही जल्द अपने डायमंड्स हंटिंग पर जाने वाले हैं। आई थिंक सेकेंड एपिसोड में मेरे पास में काफ़ी सारे डायमंड्स होने वाले हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन काम करने वाला हूँ इस सर्वर के अंदर मिनिमम, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द कैचअप करना है बाकी सबके साथ में। और लेट्स सी क्या होता है। अपने को जल्दी अपना बेस भी बनाना होगा, और फिर आप लोगों को पता ही है नॉर्मल चीज़ें, ट्रेडिंग हॉल जो होता है, आयन फार्म होता है, और एक स्पॉनर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक एक्सपी फार्म हम बना सकते हैं। ये तीन चीज़ें मेन गोल होगा, एक बार अपना बेस बन जाए। यानी अभी का काम नहीं है ये। अरे ये किसने पोशंस रखे, अमेजिंग। ये सर्वर के कारण यही प्रॉब्लम होती है भाई, मैं खोल ही नहीं पाता। वीकनेस किसी ने बना के रखा है, देखो गाइस चीटिंग नहीं करते इस सर्वर के अंदर। मैं कोई भी चीज़ चुराऊंगा नहीं, अगर कुछ लूंगा तो परमिशन के साथ लूंगा, और हो सके तो ट्रेडिंग करनी पड़े तो ट्रेडिंग करेंगे। बट मेन रूल इसी का पता है यही होता है कि कोई भी चीटिंग नहीं करता है, सब अच्छे से रहते हैं, और तभी मज़ा आता है। और जितना ज़्यादा इस सर्वर को अच्छा मतलब हम बिल्ड कर सके, अच्छा दिखा सके, उतना ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी होती है, यही मेन होता है। हर्मिट क्राफ्ट जो भी फॉलो करता है उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया, और अभी ये इंडिया में अपने इस सर्वर के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनपुर यही है भाई। और आई थिंक यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और मेरे को आप लोगों को पता है डेजर्ट बहुत पसंद है, तो अपने डेजर्ट को ही शायद बना सकते हैं। बट मैं सैंड से गाइस सच में बहुत ज़्यादा अक चुका हूँ, मेरे को मेरे सोलो सीरीज़ में पता है यार कितनी प्रॉब्लम आती है सैंड के कारण, तो हो सकता है हम चेंज करें। बट आई थिंक ये बेस भी अभी तक एकन का ही है, तो मैं एक बार मैप चेक करके अच्छे से डिसाइड करूँगा। और एक और चीज़, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा यार क्या हुआ सोलो की बंद कर दिया, मतलब सोलो भी बंद नहीं किया, टेंशन मत लो, सोलो के भी वीडियोज़ आएंगे। बट क्योंकि एंडर ड्रैगन को एक बार मार दिया ना, तो मैं कुछ चेंज चाहता था, और आप लोगों में से भी बहुत लोग बोल रहे थे कि यार माइंड पर ज्वाइन करो, तो आई थिंक एक दो एपिसोड इसके अपने डालेंगे, उसके बाद में वापस मैं सोलो का लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें भी मुझे पता है एलेट्रा वेलेट्रा वो सब अपने को ढूंढ के सब करना है, धीरे धीरे करेंगे। ओ भाई साहब यार इधर हड्डी मिल सकती है अपने को, वैसे इधर माइंड शाफ्ट है, आवाज़ आ रही है, हड्डियाँ तो मिल गई, चलो स्टिंग्स रहने दो, एरो भी नहीं चाहिए, हाँ हड्डी दे दो, ओके। इधर कुछ और आप लोगों को दिख तो रहा है ना, हाँ थोड़ी सी रोशनी कर देता हूँ, पता नहीं चलता कि किसको कितना दिख रहा है। इधर और कुछ तो नहीं है, चलो ठीक है, कॉल तो अपने पास में काफ़ी है, कॉल नहीं लूँगा मैं। और इसमें इन्होंने डेटा पैक लगा रखा है, क्योंकि ये आप लोगों को बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक जना सोता है तो बाकी जनों की भी जो है सुबह हो जाती है, तो अगर किसी को कुछ रात का काम हो, जैसे अपने आयन फार्म बनाएंगे तो अपने को ज़ोंबी चाहिए होगा रात को, तो मैं सिर्फ चैट में लिख सकता हूँ कि गाइस प्लीज़ कोई सोना मत, तो कोई भी सोएगा नहीं, और सारे एक जने की वजह से मॉब से लड़ेंगे। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे अब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, बस मैं ही अभी फ़िलहाल सबसे लेट हूँ, और एक और बंदा जैसे कि मैंने बताया। और मैं फ़िलहाल बस यही है कि इनके बेस से दूर थोड़ा सा, और अपने लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई स्पॉनर मिल गया ना गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता, जैसा मेरे पास में सोलो में था, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरी तरह से देखो बेस नहीं बनाऊँगा मैं, बट एक जगह तो एक बेसिकली मिल जाएगी ना, कि चलो इधर थोड़ा आसपास इसके इधर अपने पास में रह सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ इस बार ठीक है गाइस। मुझे पता है मैंने मेरे सोलो में कुछ ज़्यादा ही भीड़ा भाड़ा सा मतलब बहुत ही छोटा सा घर बनाया था, इस बार थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा इस बार मैं खुद घर बनाऊँ, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा ट्यूटोरियल देख के मैंने और फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बनाया था, बट इस बार कोशिश करूँगा कि मैं खुद ही कुछ बनाऊँ, देखते हैं क्या बनता है। बट फिर भी ये खुला रखता हूँ मैं यार, ये सारे इधर आ चुके होंगे यार, मैं फालतू में इधर आ रहा हूँ, पता है हो ही नहीं सकता इधर कोई ना आया हो, इतना पास में विलेज है। वैसे मैं ये ले सकता हूँ पता है, हे बेल, ओ बीकन लगा रखा है इधर किसी ने, मैं कहूँ ये भाई ये हेस्ट कहाँ से आ गया मेरे पे, अरे भाई साहब, ओह माइंड शाफ्ट भी है,
अरे हाँ, अपने फायदा उठा सकते हैं पता है इसका, क्योंकि माइनशाफ्ट पे तो यार किसी का आई डोंट थिंक हक होता है, राइट? तो आई थिंक अपने यहाँ से जा सकते। वैसे इसमें चेस्ट में क्या है, मैं कुछ लूँगा नहीं, बट फिर भी अपने देख तो सकते हैं ना भाई, इतना तो अपने पास में हक है। चल इधर कुछ खास नहीं है, बट इधर माइनशाफ्ट में जाने का कुछ रास्ता, इधर चलते हैं। यस, इधर से रास्ता बना रखा है शायद। नीचे तो देखो काफी कुछ पड़ा है लगता है। इधर इधर जाके देखूं क्या? ओ भाई साहब, यार ये लोग नीचे कैसे गए यार? मेरे को सिर्फ उधर तक ही जाना है। मैं इधर से जा सकता हूँ, वापस ऊपर भी आना होगा, बट वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ऊपर हेस्ट 2 है शायद, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी मैं तोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि डायमंड टूल्स मेरे पास में ऑब्वियसली नहीं है। डायमंड्स अपने को जल्द से जल्द ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए मैं इस माइनशाफ्ट के अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई थिंक इधर जाना है अपने को। यस, बच गया भाई साहब, मैं बच गया। ओके, माइनशाफ्ट है इधर। ओ बट ये सब लूटेड होगा। नहीं, ओ भाई साहब लूटेड नहीं है, तो अपने टॉर्चेस ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई थिंक मैं बेकार चीज़ें ना इधर रख देता हूँ, क्योंकि मेरे जो चीज़ें काम की नहीं है ना, वो सब काम की नहीं है। ओके, कॉल थोड़ा सा है, ले लेते हैं। मैं रेल वगैरह वो सब नहीं लूँगा। देखो इधर से इन्होंने फाइंड आउट कर चुका है, तो इन्होंने एन्चांटेड एप्पल नहीं लिया यार, इधर टॉर्चेस लगा रखी है। यार आई थिंक ये लोग इधर आए नहीं है ना, तो मेरे लिए अच्छी चीज़ हो सकती है कि मैं इधर फाइंड आउट करूँ कुछ, राइट? क्योंकि इधर वो लोग नहीं आए हैं। ओके, इधर आयन दिख रहा है, आयन अपने ले सकते हैं, क्योंकि अभी आयन अपने काम का है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, इसलिए मैं टॉर्चेस वॉर्चेस भी लगाता रहूँगा। ओ भाई साहब, इसके नीचे भी कुछ है। भाई साहब नीचे जाने में डर लग रहा है मेरे को। इधर है ना स्पाइडर स्पॉनर लग रहा है मेरे को। इधर कोई हो ना ना तो बढ़िया रहेगा पता है, क्योंकि स्पाइडर स्पॉनर मिल गया ना तो मैं इधर अपना बेस बना सकता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। आई थिंक काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी अपने को पता है। और ये सारी चीज़ें भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को फ़िलहाल आयन अभी बहुत ज़्यादा चाहिए। मेरे पास में ऑलरेडी वैसे 30 जितना है, बट फिर भी आयन ले लेना चाहिए भाई साहब। और इधर से आवाज़ आ रही है स्पॉनर की। ओ गोल्ड, नाइस। मैं पता है वैसे डायमंड्स के चक्कर में हूँ, थोड़ा सा माइनिंग अपने को सही से करनी पड़े ना तो अपने करेंगे, और डायमंड्स ढूंढते हैं अपने। ओके, इधर कोई आ चुका है। यस, इधर तक कोई आ चुका। इधर अंधेरा है थोड़ा सा। मेरे पास में एक एक्स्ट्रा पिकैक्स होनी चाहिए जितना मुझे याद है, आई थिंक मैंने बनाई थी। ओ ये वही चेस्ट है, नहीं इधर लावा है इसीलिए। ओ ना, ऐसे एक नेम टैग मिल गया। स्ट्रिंग के बदले रख लेते हैं, टॉर्चेज अपने को एक्स्ट्रा ऑब्वियसली चाहिए, रख लेते हैं। यस, बाकी सब तो ठीक है। इधर आयन है, आयन ले लेते हैं। कॉल की अभी ज़रूरत नहीं है मेरे को। और डायमंड्स मिल गए ना तो मैं एन्चांटिंग टेबल बनाना चाहता हूँ खुद का, मैं दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहता, यू नो, क्योंकि फिर खुद को वो मज़ा नहीं आएगा ना, कि अगर बाकियों की सारी चीज़ें यूज़ करूँगा तो, आप खुद भी समझ रहे हो ना। तो प्रोग्रेस खुद ही करनी है, बट ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत अपनी हेल्प ले सकते हैं। जैसे इस वाली सीरीज़ में मेरे को एलिट्रा बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि अपने को मिल सकता है। क्योंकि बाकियों ने तो एंडर ड्रैगन को हरा दिया है ना लगभग, एक दो जनों ने। वहाँ टूट गई, हाय है, एक एक्स्ट्रा है मेरे पास। ओ नाइस, इधर काफ़ी सारा आयन है। ये पता नहीं भाई किसके माइंडशाफ्ट है, बट अब माइंडशाफ्ट पे किसी का नाम नहीं होता भाई साहब। इधर कोई बैनर भी नहीं लगा था, बैनर लगा होता तो मैं नहीं आता। इधर टॉर्च मैंने लगाई थी, याद नहीं है।
लावा के पास में डायमंड्स मिलने के चांसेस इंक्रीज होते हैं और क्या है भाई साहब, क्या है तेरे को? हैं 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 ओए ओए ओए, मैं मर जाऊंगा। ओए शिट 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 किधर से आ रहे हैं भाई साहब? ऊपर से एरिया लाइट अप करना चाहिए ना मुझे सबसे पहले। हाँ, और इधर काफ़ी चीज़ें मिल भी सकती है। देखो काफ़ी बड़ी सारी केव है, इधर आयरन भी काफ़ी सारा है। मेरे को पता स्पोनर मिल गया ना, तो मैं इस केव के अंदर अपना बेस बना सकता हूँ। वाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है ना? अपने सोलो की तरह स्पोनर के पास में एफ के फिश फार्म बना देंगे मस्त, और दोनों काम होते रहेंगे। आप लोगों को तो पता ही अपने क्या करते हैं, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। इधर से मैं जाने की कोशिश करूं क्या इस लावा के आसपास कहीं पे? थोड़ा सा है ना मुझे इस एरिया को कवर अप करना है, पता चला कि कोई मॉब आके मेरे को लावा में धकेल दिया। ठीक है, इधर लावा होना चाहिए आई थिंक, राइट? लावा के आसपास पता है और डायमंड्स काफ़ी इजीली मिलते हैं, इसलिए मैं इधर इसके साथ साथ रहना चाहता हूँ, बट लावा को ट्रिगर भी नहीं करना चाहता, इसलिए ऊपर जाने का रास्ता भी मैं रखूँगा साथ साथ में। और इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ मैं, ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ कम से कम। ऑब्सीडियन की भी अपने को जरूरत नहीं है, पोर्टल में कभी जाना पड़ा ना तो अपने जो बाकी के मैनपुर वासी हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। पोर्टल तो चलता है यार, पोर्टल तो ठीक ठीक है। और जल्दी मुझे लगता है इधर लावा ना हो। ओके, एन्चांटिंग करनी पड़ी ना, तो अपने एन्चांटिंग के लिए गलत कर दिया, रुको। इधर इधर कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे रेडस्टोन नहीं चाहिए, रेडस्टोन इतना काम का नहीं है मेरा यार। इसकी एक लेवल ऊपर रहूं क्या मैं? मतलब मैं लावा के साथ साथ भी रहना चाहता हूँ और लावा के साथ साथ नहीं भी रहना चाहता हूँ। रुको, कोई और अपने ना रूट ढूंढते हैं ना, वो बेटर रहेगा। रुको, इधर मैं आया नहीं ना। ओके नाइस, ओ इधर और भी है चेस्ट वेस्ट। ओके नाइस, तो हाँ इधर मॉब्स हैं जिनको मैं बाईपास करके इधर आऊँगा। ओके, इधर नीचे जाने का भी थोड़ा सा रास्ता है। काफ़ी सारा आयन तो मिल गया भाई साहब, आयन की अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, समझ लो आप लोग। इसको क्या हो रहा है? तेरे बाजू से निकला मैं, पता चलता है तेरे को अंधे? तेरा काम है मुझे मारना, मतलब एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए ना यार। और गाइस अभी देखो ये सर्वर है, मैं पहले से बताया तो आप लोग बोलते थे ना मेरे सोलो में, ओ स्पॉनर स्पॉनर भाई साहब, ये ज़ॉम्बी स्पॉनर है राइट? यार ये अपने काम का होने वाला है, ये अपने काम का होने वाला है, ये अपने काम का होने वाला है। मैं स्पॉनर को अपना बनाना चाहता हूँ भाई साहब, ज़ॉम्बी स्पॉनर काम आएगा, और इधर लूट भी होनी चाहिए। ओ भाई साहब नाइस, बिना फटे मैंने क्रीपर को मार दिया। वाह केशव, वाह यार तू तो प्रो हो गया केशव। ओहो FFG ने ज्वाइन किया यार, अब ये तो मेरी है यार, ये भले बीकन किसी का भी है यार, मेरे को ये स्पॉनर तो चाहिए अब। ओ सैडल मिले तो और भी बढ़िया है। मैं हटाऊं क्या? पर अब कॉबलस्टोन हटा देता हूँ, हड्डियाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई अपने पास में, अब चाहिए नहीं, हो गई है। बकेट है, ओ और भी ज़्यादा अमेजिंग है ये तो। ये रहने देते हैं अब, क्योंकि मेरे पास में आयन है एक्स है, एंड ग्रेवल का पता नहीं, मेलन सीड्स थोड़ी सी हड्डियाँ मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, एंड इधर क्या था, बकेट थी ना, बकेट एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना अपने, और बाकी सब तो ठीक है। यार इसको मुझे अपना बनाना है, क्योंकि ये सच में बहुत काम आ सकता है, पता है ज़ॉम्बी स्पॉनर इज़ द बेस्ट। यार इधर कोई रहता ना हो यार,
क्योंकि इधर बीकन से ही अपने इधर आए हैं ना, तो ऑब्वियसली ये किसी की जगह हो सकती है, बट किसी ने मार्क नहीं किया था तो। बट इधर देखो बीकन की रेंज भी है यार, तो ये किसी का बेस हो सकता है, तो आई डोंट नो यार क्या करें अपने, समझ नहीं आ रहा मुझे इधर क्या है। और अभी इसको पता है अपने बड़ा करके इधर अंडरग्राउंड रह सकते हैं एंड ऊपर का अच्छा सा रास्ता बना सकते हैं इधर, एंड एफ के फिश फार्म करेंगे, ऊपर से ज़ॉम्बी साथ साथ में स्पॉन होते रहे, तो यू नो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके का ये एक अपना बेस बन सकता है। ओके गाइस, तो यार आज के एपिसोड में इतना ही, होपफुल यार आप लोगों को पसंद आया होगा माइंडपुर का पहला एपिसोड। पसंद आया तो यार फटाफट से लाइक कर देना है, कोई भी किसी और के चैनल से आ रहा है यू नो माइंडपुर में यही तो काम है, थोड़ा एक दूसरे को हम लोग ऐसे यूट्यूब के हिसाब से भी हेल्प कर सकते हैं, तो कोई अगर किसी और के चैनल से आ रहा है तो यार मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब करो यार इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए, थोड़ा नए कंटेंट के लिए, थोड़ा नूपंथी वाले कंटेंट के लिए। तो कोशिश करूंगा यार, मैं पूछूंगा सबसे कि ये किसी के बेस में नहीं आता है तो मैं रह सकता हूँ छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चिकन, यू नो आप लोगों को तो पता ही है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।